नमस्कार, मैं रिद्धि, आप देख रहे हैं न्यूज खबर। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल मध्य प्रदेश से बजा दिया है। एमपी के जो नए नवेले मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रम्प कार्ड खेला है। मोहन यादव को ट्रम्प कार्ड बनाकर बीजेपी बिहार और यूपी के यादव वोटर्स को साधने की जुगत में है और इसकी शुरुआत बिहार से हो चुकी है, क्योंकि मोहन यादव 18 जनवरी को बिहार की राजनीति में कृष्ण भक्त बनकर एंट्री मारने वाले हैं। क्या है भारतीय जनता पार्टी की पूरी स्ट्रेटजी, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में विस्तार से। पहला बिंदु तो यह है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के जरिए यह मिथक तोड़ना चाहती है कि बिहार और यूपी जैसे राज्यों में यादव समाज के हितेशी केवल लालू यादव और अखिलेश यादव जैसे दिग्गज नहीं है, बल्कि बीजेपी भी यादव समाज की हितेशी है। इसलिए एक यादव को एक राज्य का यानी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। यादव समाज के साथ साथ पार्टी ओबीसी समुदाय को भी साधना चाहती है। सीएम मोहन यादव, जो कि एक यादव भी हैं और ओबीसी वर्ग से भी आते हैं, और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी ही थे। बीजेपी यादव के साथ साथ ओबीसी वर्ग को भी यह संदेश देना चाहती है कि वो उनकी असली हितेशी पार्टी है। बीजेपी लगातार ओबीसी वर्ग से सीएम बना रही है और मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी बहुत से ओबीसी वर्ग से आते हैं। मोहन यादव को एमपी की कुर्सी सौंपकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। बिहार यूपी के छत्र कई बार यह चैलेंज देते थे कि यादव को सीएम बनाकर दिखाए। इसी के मद्देनजर दोनों जगह पर सबसे ज्यादा ताकतवर छत्र इसी जाति से आते हैं और अब बीजेपी ने यह एमपी में कर दिखाया है। इसके साथ ही बिहार को संदेश देना चाहती है पार्टी कि आप हमें एक बार मौका दें, हम इस जाति से सीएम भी बना सकते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।